शादी का बेस्ट केस सिनेरियो ये है कि हो सकता है मेरी जो शादी है उसमें प्रॉब्लम्स कम आए या फिर प्रॉब्लम्स ऐसी आएंगी जिसके सॉल्यूशंस निकल सकते हैं। वर्स्ट केस सिनेरियो क्या है, हो सकता है शादी के बाद ऐसी भी प्रॉब्लम्स आ जाए जिसके सॉल्यूशंस नहीं निकल सकते। तो इन दोनों सिचुएशंस के लिए अगर आप प्रिपेयर्ड हो तो कर लो शादी, अगर नहीं हो तो मत करो शादी। बट नहीं करने का बेस्ट केस सिनेरियो क्या है, वर्स्ट केस सिनेरियो क्या है, पकड़ लेते हैं एक बार वो भी। शादी नहीं करने का बेस्ट केस सिनेरियो क्या है, शादी ना करने का बेस्ट केस सिनेरियो ये है कि हमारे ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ना बीवी है ना बच्चे हैं कुछ नहीं है, अकेले हैं, कहीं पर भी पड़ जाओ कहीं पर भी चले जाओ, ये वो। वर्स्ट केस सिनेरियो क्या है, लोनलीनेस। एग्जैक्टली, क्योंकि आपके साथ के यार दोस्त हैं वो भी कहेंगे कि हम शादी नहीं करेंगे लेकिन सब करेंगे, एंड में क्या आप अकेले नहीं रह जाओगे, कोई गेट टुगेदर हो रही होगी तो वहां पे भी पहले देखा जाएगा, चलो इसको इनवाइट कर लो, इसको कर लो, इसको कर लो, घर पे पार्टी है क्योंकि इसकी भी बीवी बच्चे हैं, इसके भी हैं, इसके भी हैं, ये अकेला इसको छोड़ो, ऐसा होगा। अकेले रहे, जो अकेलापन कुछ टाइम तक या एक पर्टिकुलर एज तक बड़ा अच्छा लगता है लेकिन एक टाइम के बाद में वही अकेलापन अंदर ही अंदर आदमी को तंग करता है। और ये मैं सिर्फ थियोरेटिकली नहीं बोल रहा हूँ, ऐसे मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, बहुत सारे तो नहीं कुछ लोगों को जानता हूँ जो मेरे रिलेशन में है या फ्रेंड सर्कल में है, जिन्होंने ये पंगा लिया यानी शादी ना करने का, तो वो कोई बहुत खुश नहीं, तो इस गलत फहमी से बाहर आ जाओ कि बहुत खुश हो जाएंगे। तो जो भी डिसीजन आप लोगे, चाहे शादी करने का चाहे नहीं करने का, मैं कोई नहीं होता बोलने वाला कि भाई आपको शादी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, कोई नहीं बोल सकता, और कोई बोल रहा है तो उसे सुनना भी मत ना। जब आपकी शादी हो जाएगी ना और आपकी वॉट लगेगी, जब एक तरफ आपकी बीवी होगी एक तरफ आपकी माँ होगी, दोनों आपस में लड़ मार कट रहे होंगे, अब आप जाकर कितने उस दोस्त से बात करोगे, यार बड़ी टेंशन है, अरे ये तो होता ही था। तो औरों से मत सलाह लो, किसी से पूछो मत कि करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, खुद डिसीजन लो बाय टेकिंग द बेस्ट केस सिनेरियो एंड द वर्स्ट केस सिनेरियो इनटू अकाउंट। और फिर सिर्फ यहीं तक बात नहीं खत्म होगी, तब आपको ये भी देखना होगा कि ये बेस्ट केस सिनेरियो तक कैसे पहुंचा जाए। कुछ ऐसे भी कपल्स आपको नजर आएंगे अपने आसपास में, अगर देखोगे ढूंढोगे, जो हैप्पीली एवर आफ्टर जिसको बोलते हैं, उनसे समझने की कोशिश करो। अगर वो नहीं भी समझा रहे तो उनको ऑब्जर्व करने की कोशिश करो कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। जैसे मैं इंस्पायर्ड था व्हेन आई वाज अराउंड 8 or 10 इयर्स ओल्ड, तो मेरा एक दोस्त होता था, उसके जो पेरेंट्स थे वो केजी से साथ में थे, तो मैंने कहा केजी से कोई साथ में कैसे हो सकता है, आई वॉज लाइक काइंड ऑफ इंस्पायर्ड विद देयर स्टोरी। तो मैं उनको ऑब्जर्व करता रहता, मैं देखता रहता हूँ अच्छा क्या है, लड़ाई झगड़े भी नहीं हो रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है, सब कुछ ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है बाहर से सिर्फ दिखा रहे हैं, एक्चुअल में बड़े पीसफुली एक दूसरे के साथ में रह रहे हैं। तो मैं ऑब्जर्व करता रहता था, तो मैंने वहां से जो चीज़ समझी और उसको अपनी लाइफ में लगाई वो क्या था, दोस्ती होनी चाहिए। छोटी छोटी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं एक रिलेशनशिप को अच्छा बनाने। फॉर एग्जाम्पल आप बैठे हो तो अब आपकी फिजिकल क्लोजनेस कितनी है कि एक दूसरे का बस हाथ ही पकड़ करके बैठे हुए हो, तो शुरू में और कई बार क्या होता है गैप इतना ज्यादा आ जाता है स्पेशली इंडिया में कि हाथ पकड़ने में भी शर्म आती है। ये कुछ चीजें हैं जो बहुत मैटर करती है, हाथ भी पकड़ रहे हो तो मतलब एज अ फ्रेंड कि आप या देयर विद ईच अदर, कि बैठे हो टीवी देख रहे हो साथ में ऐसे पीछे हाथ रख दे अपना आराम से साथ में बैठ करके हग करके एक दूसरे को टीवी देख रहे हो, टच किया हुआ है, फिजिकली एक दूसरे के पास में हो, है ना। मैं कई बार ये भी मतलब जैसे हमारे घर में क्या होता है, मैं और मेरी वाइफ वी आर लाइक फिजिकली क्लोज टू ईच अदर मोस्ट द टाइम, कि मतलब बैठे हैं साथ में जैसे टीवी देख रहे हैं कुछ भी है तो ऐसे बैठे हैं, उसने मेरे यहाँ पे सर रखा हुआ है ना, और कभी एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ है कुछ भी है। तो मैंने ये ऑब्जर्व किया है छोटी छोटी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं, जैसे मेरा सरदर्द नहीं भी हो रहा बहुत बार ऐसा मैं करता हूँ कि सरदर्द नहीं भी हो रहा तो जाकर के बैठ जाता हूँ उसके पास में, मतलब जैसे वो बैठी है सोफे पे मैं नीचे बैठ गया, एक्टिंग। लेकिन उससे क्या हो रहा है, वी आर गेटिंग क्लोज टू ईच अदर, ये जो टच होता है ना, टच विदाउट अ मोटिव, दिस इज लव। ये बहुत कम लोगों को समझ आई मेरे, इस तरह से जब आप लाइफ को देखने लग जाते हो तो यहां से निकल करके आता है बेस्ट केस सिनेरियो। यू नीड टू लेट गो ऑफ योर ईगो, लड़ाई झगड़ों की जड़ क्या है, मैं तू 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 मैं यही तो है,
तू ये तू वो तू वो, मैं ये मैं वो मैं सही तू गलत। हम में ये सब होता ही नहीं है। हम में गलत सही नहीं है, लड़ाई झगड़े नहीं है, कुछ नहीं है। शांति है, पीस है, इसी को सेटिस्फैक्शन बोलते हैं जी।